अशोक मतलब प्रोड्यूसर ने, चैनल ने अगर ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया कि शो इतना बड़ा है, 15 साल से चल रहा है, एक लेगेसी है, शो विल कम बैक एंड इल बी अ ब्लास्ट। जिस तरीके का कम बैक होने वाला है वो ऑडियंस भी खुश हो जाएगी। दिस इज माई होली गिफ्ट फॉर देम। वेलकम टू बजूका टीवी, मैं हूँ शिवम और होली के इस खास मौके पर हमारे साथ शिवम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हाउ आर यू? आई एम गुड। दो शिवम जब मिल चुके हैं तो अभी होली तो और धमाकेदार होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक होली के रंग ज्यादा लगे नहीं है, थोड़ा सा हमारे सामने किसी ने लगाया आपको, है ना? तो क्या सुबह से अभी तक खाता नहीं खुला है? नहीं नहीं, अभी मैं कौला जवान एकदम आया हूँ यहाँ पे, और अभी आते हुए पता नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि होली की पार्टीज में स्पेशली आप देखते हो कि आदमी जाते हुए तो पहचाना जाता है, आते हुए आपको अपनी फैमिली वाले ही नहीं पहचाने जाते हैं, तो वैसी हालत होने वाली है। लेकिन शिवम, होली बहुत खास होती है, पूरा हिंदुस्तान एकदम चौन से मनाता है इसको और बहुत प्यार से मनाई जाती है होली। आप किस तरीके से मनाते हैं, घर पर किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ? घर पे मैं क्या करता हूँ, घर पे तो मैं सबसे पहले आराम से उठता हूँ, छुट्टी होती है, उसके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि रंग आपको लगते हैं, तो आराम से अपना होली खेलते हैं दोस्तों के साथ, पार्टी करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पहले जब छोटे थे तो पक्का रंग लगाते थे, अभी नहीं लगाते, अभी हर्बल कलर्स लगाते हैं, सबको स्किन का अपना ध्यान रहता है, और उसके बाद हम एक अच्छा सा लंच करते हैं, फिर उसके बाद डिनर पर जाते हैं फैमिली के साथ, तो ऐसा रहता है, गुजिया खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, सब खाते हैं उस दिन। अच्छा, इफ़ वी टॉक अपार्ट फ्रॉम होली, इफ़ वी टॉक अबाउट ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यू आर ऑल सेट टू कम बैक, राइट? तो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दैट? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ब्रेक लंबी हो गई, और लेकिन मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब जिस तरीके का कम बैक होने वाला है वो ऑडियंस भी खुश हो जाएगी। दिस इज़ माई होली गिफ्ट फॉर देम। लेकिन जो सारी चीज़ें हुई शो में बीते दिनों, आई एम श्योर आपने ज़रूर कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा ज़रूर, उस पर आप क्या कहेंगे, जो डिसीजन मेकर्स की तरफ से लिया गया, वॉज इट राइट? मैंने देखा नहीं है, मैं एक्चुअली उस मीटिंग में प्रेजेंट था, सभी एक्टर्स को बुलाया गया था, और डिसीजन देखो जो भी होता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन के लिए ये है कि आपका जो शो है वो चलते रहना चाहिए, और शो हमेशा एक अच्छी इन्वायरमेंट जैसा बना रहना चाहिए। तो शो मतलब प्रोड्यूसर ने, चैनल ने अगर ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया, और जो भी है आई थिंक थोड़ा सा ऑडियंस को भी वक्त लगेगा एक तरह से, क्योंकि उनके लिए भी एक चेंज है, बट आई थिंक कि शो इतना बड़ा है, 15 साल से चल रहा है, एक लेगेसी है, शो विल कम बैक एंड इल बी अ ब्लास्ट। अच्छा, जो नई कास्ट आई है, रोहित गर्विता, जानते हैं आप उन्हें? हाँ, मैं उनसे मिला, मेरा मॉक शूट हुआ था गर्विता के साथ, हमारी जोड़ी को टेस्ट करने के लिए, और बहुत टैलेंटेड लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। रोहित से भी मैं मिला, रोहित से मेरी सिर्फ हाय हेलो हुई, हमने थोड़ा सा फोटो शूट हुआ हमारा, रोहित भी बहुत डिसेंट आदमी है, एंड आई होप कि यार क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, एक ऑलरेडी जिन्होंने अपना एक ऑडियंस बना ली है, उनके साथ उनकी जगह लेना, बट आई थिंक दे विल पुल इट ऑफ यार, आई होप द बेस्ट फॉर देम। आखिरी क्वेश्चन यही मैं आपसे पूछने वाला था कि जो शो में एक बार रह जाता है, जिसको लोग देख चुके होते हैं, बाद में दूसरी कास्ट आती है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, राइट? और मैंने कहीं पढ़ा काफ़ी जो फैंस है वो बोल रहे हैं कि यार अगर ये नहीं तो हम शो नहीं देखेंगे, तो इससे क्या शो में थोड़ा सा गिरावट आएगी, कैसा होगा? देखिए, ये ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब लीप होता है तभी भी एक्टर्स चेंज होते हैं, और आपको थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट आई थिंक थोड़ा, क्योंकि शो से बड़ा कुछ नहीं है यार, शो ऑडियंस बहुत दिल से फॉलो करती है, एंड थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आ जाएंगे, विल गेट इट बैक। थैंक यू शिवम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जल्दी हम आपको देखेंगे जरूर, ये रिश्ता में, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर होली।